क्योंकि अभी डिवोर्स पेपर तो हाथ ही दे चुका है ना। काव्या रोते अब अगर हम चुप हो गए ना तो थोड़े लोग हमें मुजरिम बनाकर ही छोड़ेंगे। तो काव्या को जब पता चलेगा कि आदि ने ऐसा ऐसा किया और ऐसा ऐसा सोचता है तो वो फिर से कोमा में चली जाएगी। नमस्ते बेटा, जीते रहो जीते रहो। हमें काव्या ने बताया कि तुम मदद कर रहे हो हमारी, कैसे शुक्रिया अदा करें। आदि राज्य कानून कोई कसर नहीं छोड़ेंगे आपको मुजरिम करार करवाने की, वो पहले आपकी बेल कैंसिल करवा कर। अच्छा वकील मिल गया है, आप फिक्र मत करिए। अब समझ में आया, हमारा ट्रांसफर कराया गया है, ऊर्जा मंत्री गिरिराज प्रधान ने कराया हमारा ट्रांसफर, और कौन चाहेगा ऐसी हालत में। हम बहुत टेंशन चल रही है काव्या की लाइफ में, बेचारी बहुत इमोशनल रखी है, बहुत सैड है वो, क्योंकि अभी डिवोर्स पेपर तो हाथ ही दे चुका है ना, उसके अलावा यू नो उस पर केस भी हो चुका है कि उसने उम्मी भैया की जान ली जो कि सच नहीं है, एंड अब ना चाहते हुए भी उसे प्रूव करना पड़ेगा कि नहीं मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है। अभी वो यही सब मतलब उसको समझ नहीं आ रहा है, जैसे हर इंसान की लाइफ में जैसे बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है ना, तो वो बहुत स्ट्रांग होकर वो चीज़ें फेस ज़रूर करता है, पर एक पॉइंट ऐसा आता है जब उसे बस यू नो वो निकालना होता है अपने मन से, वो खाली करना होता है, मन हल्का फील करना होता है। तो उसको समझ नहीं आ रहा है अभी काव्या को कि मैं क्या करूँ, मैं कैसे करूँ, मैं अगर वेंट भी करना चाहती हूँ तो वो मैं कैसे करूँ। वो थोड़ी सी उसी फीलिंग्स के साथ घर पहुँची है। मुझे लग रहा था कि आदि ये काव्या को जब पता चलेगा कि आदि ने ऐसा ऐसा किया और ऐसा ऐसा सोचता है तो वो फिर से कोमा में चली जाएगी, पर ऐसा नहीं हुआ, अभी ठीक है वो। पर ऑफ कोर्स ये बहुत ज़्यादा शॉकिंग है काव्या के लिए, एंड पर वो ये बात समझ रही है कि पिछले 9 महीने में जब वो नहीं थी तो उसके दिमाग में बहुत सारी चीज़ें यू नो फीड की गई हैं और उसको बहुत बोला गया है, तो उसकी वो ही बोलती है काव्या कि ये इस इंसान की सोच बदल गई है, कुछ तो टूट गया है इसके अंदर, कुछ मर गया है इसके अंदर। तो अभी काव्या को यू नो उसकी पूरी सोच बदलनी है, वो बहुत मुश्किल काम है। मुझे तो नहीं पता अभी काव्या कैसे करेगी, पर आई थिंक ये ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो ओवरनाइट हो जाए, ये बहुत लंबे समय का उसके मन में भरा हुआ है, तो ये धीरे धीरे आई थिंक हो पाएगा, एक बार में तो ये नहीं हो सकता मेरे हिसाब से। मैं ये कहना चाहूँगी कि आप शो देख रहे हैं मैं जानती हूँ, और आप को अभी लीप चालू हो गया है, आप लोग को अच्छा लग रहा है आई होप, बट आगे एपिसोड्स में आपको और मज़ा आने वाला है। मैं ऑफकोर्स रोऊँगी क्योंकि वो हर शो में होता है पर उसके अलावा आपको बहुत इंटरेस्टिंग सीन्स भी मिलेंगे, बी एक्साइटेड फॉर दैट।